हाय दोस्तों नमस्ते। ये है छोटा सा वेटलैंड और यहाँ पर बहुत सारे नॉर्दर्न शॉवलर, नॉर्दर्न पिनटेल, कॉमन पोचार्ड और बहुत सारे अन्य लिटिल ग्रेवी व अन्य एक्वेटिक एनिमल्स आए हुए हैं। बहुत ही शानदार रौनक है जलीय पक्षियों के आवाज़ों से, उनके उच्चारण से, इनके सॉन्ग से सारा वातावरण पूरा कलरव महक रहा है। तो आइए बात करते हैं एक एक चीज़ की, चाहे नॉर्दर्न शॉवलर हो, मेल फीमेल, नॉर्दर्न पिनटेल हो या रूडी शेल्डक हो, सभी की बात करेंगे। तो आज हम ग्रेट थार डेजर्ट के अंदर प्रवासी पक्षियों की चर्चा कर ही रहे हैं, उसमें एक छोटा सा पक्षी चहल जो बहुत चहलकदमी मचाता है उसकी बात करेंगे। इसे व्हाइट बैक टेल कहते हैं और व्हाइट बैक टेल का जूलॉजिकल नाम है मोटोसिला अल्बा और हिंदी में इसको खंजन कहते हैं। भारतीय साहित्य में एक बहुत ही चिरप्रचित और उपमेय पक्षी है, यानी जो आगे किसी की उपमा देनी होती है तो इसका वर्णन जरूर किया जाता है। खंजन को खिंडरीच, खंजरीट या खंडलिप नाम से भी पुकारते हैं। ये मोटोसिलिडी फैमिली का मोटोसिला वर्ग जीनस का एक पक्षी है जिसे अंग्रेजी में वैग टेल कहते हैं। ये भारत का बहुत प्रसिद्ध पक्षी है जो जाड़ों में उत्तर की ओर से सारे देश में नीचे नॉर्थ से आके साउथ की तरफ डिस्पर्स हो जाता है। गर्मी आरंभ होते ही शीत प्रदेशों को ये लौट जाता है। ये छोटा सा चंचल पक्षी है और इसकी लंबाई 7 से लेकर 9 इंच तक होती है। देह लंबी तथा पतली होती है। ये पानी के किनारे ज़्यादातर बैठा मिलता है और लगातार अपनी पूंछ हिलाता रहता है। इसका नेत्र हर समय चंचल रहते हैं जिसके कारण इसे भारतीय कवि नेत्रों की उपमा के लिए इसको खंजन से इसकी उपमा क्या करते हैं। किसी की अगर उपमा सुंदर नेत्रों की करनी है तो उसे खंजन से इसकी उपमा करते हैं। खंजन पक्षी भारत के मैदानी क्षेत्रों में पहुंचकर इसकी जो खंजन पक्षी की व्हाइट बैक टेल या खंजन पक्षी की 6 प्रजातियों में से 3 प्रजातियां माइग्रेटरी हैं जो प्रतिवर्ष लेह लद्दाख, कश्मीर, कुल्लू, मनाली और इधर से दुर्गम पर्वतीय स्थानों से निकलकर शीतकाल में मैदानी क्षेत्रों में प्रवास करती है। प्रवास या माइग्रेशन पर पहुंचने वाला ये सबसे पहला पक्षी होने के कारण हिमालय पर रहने वाले ऋषियों ने इसे खंजन का नाम दिया था। इसे व्हाइट वैगटेल या ग्रे वैगटेल ऐसे कई इनके नाम है के नाम से इसको जाना जाता है। ये अपनी लंबी दुम, लंबी पूंछ और रंग रूप और स्वभाव के अनुसार इनकी 4 देश में 4 जातियाँ पाई जाती हैं। व्हाइट वैगटेल ये लगभग 8 इंच लंबा और चितकबरा होता है। जाड़ों में इसके नर के पीछे काला चकत्ता रहता है जो गले के चारों ओर फैल जाता है। सिर का ऊपरी भाग और शरीर का निचला हिस्सा सफ़ेद होता है जिसमें थोड़ी कंजई सी झलक होती है। ऊपर का हिस्सा स्लेटी और डैने काले होते हैं। डैनों के किनारे स्लेटी रंग के सफ़ेद पर होते हैं। दुम काली होती है जिसके दोनों ओर बाहरी पंख सफ़ेद रहते हैं। गर्मियों में ये इसका रंग थोड़ा काला हो जाता है। नर की अपेक्षा मादा थोड़ी दुमेली होती है, मटमैली होती है। शरीर पर चित्तियाँ चटक नहीं होती। यह जाड़ों में देश के प्राय सर्वत्र पानी के किनारे, वेटलैंड के किनारे दिखाई देता है। गर्मियों में यहाँ पर लौटकर कश्मीर व हिमालय की तराई में पुनः अपने घोंसले बनाकर वहीं चला जाता है, वहीं रहता है और वहाँ जाके अंडे देता है। इस प्रकार ऋतु के अनुसार इनकी दूरियाँ व स्थानांतरण प्रकृति का एक आश्चर्यजनक चमत्कार कहा जाता है। पानी के पास कीड़े मकोड़ों को, छोटे छोटे लार्वा को खाता है और दौड़ दौड़ कर चलता है। अन्य पक्षियों की तरह ये फुदकता नहीं और खतरे का आभास मिलने पर उड़ जाता है किंतु थोड़ी दूर बाद पुनः जमीन पर उतर जाता है। इसकी उड़ान लहराती हुई होती है और उड़ते समय चिट चिट जैसी बोली बोलता है। सामान्यतः पक्षी 2-4 की टोली में ही देखा जाता है किंतु पहाड़ों पर लौटते समय इनका समूह बन जाता है। व्हाइट बैक टेल या खंजन पक्षी की 6 प्रजातियों में से 3 प्रजातियां माइग्रेटरी हैं जो प्रतिवर्ष लेह लद्दाख, कश्मीर, कुल्लू, मनाली और इधर से दुर्गम पर्वतीय स्थानों से निकलकर शीतकाल में मैदानी क्षेत्रों में प्रवास करती है। प्रवास या माइग्रेशन पर पहुंचने वाला ये सबसे पहला पक्षी होने के कारण हिमालय पर रहने वाले ऋषियों ने इसे खंजन का नाम दिया था। इसे व्हाइट वैगटेल या ग्रे वैगटेल ऐसे कई इनके नाम है के नाम से इसको जाना जाता है। ये अपनी लंबी दुम, लंबी पूंछ और स्लेटी पीठ तथा पील के कारण बड़ी आसानी से पहचाना जाता है। हिमालय खंजन उत्तर भारत के क्षेत्रों के साथ साथ मुंबई, दक्षिणी पठार व अनेक क्षेत्रों तक पहुंच जाते हैं। इनकी याददाश्त बड़ी तीव्र होती है और जहां ये पिछले साल प्रवास करते हैं लगभग अगले साल उसी जगह ये अपने प्रवास को चुनता है। हिंदी साहित्य में लेखकों ने इसका स्थान बड़ा ही महत्वपूर्ण दिया है। हिंदी साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त ने अपने महाकाव्य साकेत में लिखा,
कि स्वागत स्वागत शरद भाग्य में मैंने दर्शन पाए, यानी कि इन्हीं का रेफरेंस में मैथिली शरण जी ने इसका वर्णन किया है। जबकि संत तुलसीदास जी ने किष्किंधा कांड में प्रकृति का वर्णन करते समय लिखा था कि जानी शरद ऋतु खंजन आए, पास समय जिमी सुकृत सुहाए। तुलसीदास के तथ्य ये वर्णन करते हैं कि शरद ऋतु में खंजन आए क्योंकि लंबी अवधि में किए गए हमारे पुण्य कर्मों का सुफल परिणाम है। इन पक्षियों पर लिखा गया सुंदर पक्षियों का चित्रण साहित्यकारों ने खूब किया है। सूरदास ने अपने अमर भ्रमर गीत में किया है इसका, जयसी ने पद्मावत में किया हुआ है, चंद्र चकोर का पे, हंस की आकर्षक चाल, ये इनका उपमा दी जाती है। चकवा चक्को ये तोता मैना की मोहक कथाओं का वर्णन भी आता है। रंग रूप और स्वभाव के अनुसार इनकी चार देश में चार जातियाँ पाई जाती हैं। व्हाइट वैक्टेल ये लगभग 8 इंच लंबा और चितकबरा होता है। जाड़ों में इसकी नर के पीछे काला चकत्ता रहता है जो गले के चारों ओर फैल जाता है। सिर का ऊपरी भाग और शरीर का निचला हिस्सा सफ़ेद होता है जिसमें थोड़ी कंजई सी झलक होती है। ऊपर का हिस्सा स्लेटी और डैने काले होते हैं। डैनों के किनारे स्लेटी रंग के सफ़ेद पर होते हैं। दुम काली होती है जिसके दोनों ओर बाहरी पंख सफ़ेद रहते हैं। गलियों में ये इसका रंग थोड़ा काला हो जाता है। लड़की अपेक्षा मादा थोड़ी दुमेली होती है, मटमैली होती है। शरीर पर तिथियाँ चटक नहीं होती। यह जाड़ों में देश के प्राय सर्वत्र पानी के किनारे, वेटलैंड के किनारे दिखाई देता है। गर्मियों में यहाँ पर लौटकर कश्मीर में हिमालय की तराई में पुनः अपने घोंसले बनाकर वहीं चला जाता है, वहीं रहता है और वहाँ जाके अंडे देता है। इस प्रकार ऋतु के अनुसार इनकी दूरियाँ व स्थानांतरण प्रकृति का एक आश्चर्यजनक चमत्कार कहा जाता है। ये पक्षी पानी के पास कीड़े मकोड़ों को, छोटे छोटे लार्वा को खाता है और दौड़ दौड़ कर चलता है। अन्य पक्षियों की तरह ये फुदकता नहीं और खतरे का आभास मिलने पर उड़ जाता है किंतु थोड़ी दूर बाद पुनः जमीन पर उतर जाता है। इसकी उड़ान लहराती हुई होती है और उड़ते समय चिट चिट जैसी बोली बोलता है। सामान्यतः पक्षी 2-4 की टोली में ही देखा जाता है किंतु पहाड़ों पर लौटते समय इनका समूह बन जाता है। तो दोस्तों, ये छोटा सा मेरा प्रयास था खंजन पक्षी के बारे में। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे तो अपने कीमती कमेंट से मुझे लाभान्वित करना, जिसका कि मैं इंतज़ार करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश शर्मा, ग्रेट थार डेजर्ट बीकानेर से। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे। तो दोस्तों, ये छोटा सा मेरा प्रयास था खंजन पक्षी के बारे में। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे तो अपने कीमती कमेंट से मुझे लाभान्वित करना, जिसका कि मैं इंतज़ार करता हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त राकेश शर्मा, ग्रेट थार डेजर्ट बीकानेर से। थैंक यू फ्रेंड, हैव ए नाइस डे।